पहले हमें अपनी क्वालिफिकेशन बताएं और यहाँ के जो मैनेजमेंट के बारे में, और खुवातीन को ये पैगाम देना चाहेंगे कि जो तालीम हासिल करके घर में बैठ जाती हैं उनके लिए क्या पैगाम आप? एक्चुअली आई एम अ बैचलर्स ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन और मैं यहाँ पर अपनी बहन को ड्रॉप करने के लिए आई हूँ. एंड आई थिंक कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो घर पर बैठ जाते हैं और मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद और आगे नहीं पढ़ पाते ड्यू टू रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग. तो ये इनके लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इनको एक्सपोजर मिल रहा है आई टी से रिलेटेड भी, एंड कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो रहा है. सो दैट यहाँ पर मैंने देखा बहुत ऐसी लड़कियाँ भी आई हुई हैं जो बिल्कुल घर में रहने वाली होती हैं और ख़वातीन भी आई हुई हैं. सो इट्स रियली नाइस फॉर ऑल ऑफ देम एंड आई बिलीव ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा इनिशिएटिव है कराची की आवाम के लिए. जी यहाँ पर एक्सपोजर नहीं है चीज़ों का. अब अच्छा है ये कि यहाँ पर इन लोगों ने, अलखदमत वालों ने इनिशिएटिव लिया, सैलानी वाले कर रहे हैं एंड देन JDC वाले भी कर रहे हैं. तो आई बिलीव कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिहाज से भी और पाकिस्तान की आवाम के लिए ग्रोथ के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. जी बिल्कुल, दुनिया के साथ चलना पड़ता है फिर ही आगे बढ़ते हैं. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. बनो काबिल की इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव फीमेल्स के लिए और काफ़ी अपने स्टूडेंट्स के लिए जो कि मैट्रिक के बाद पढ़ भी नहीं सके, अपने घर पर रहकर वो अच्छे से इनकम वगैरह के लिए फ्यूचर अपना सिक्योर कर सकते हैं. इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई एज लिमिट वगैरह इन्होंने दी हो, हर किस्म के इंसान जो है तो वो ये वाला कोर्स अवेल कर सकते हैं और आई होप सो ये इनिशिएटिव सबके लिए प्रोडक्टिव रहेगा. यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिली ही नहीं बच्चों को, अब अपॉर्चुनिटी मिली है आप देखिएगा इंशाल्लाह. बिल्कुल, अब ये इनिशिएटिव जो मिला है इससे इंशाल्लाह आप देखिएगा आगे पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद. नहीं, मेरा पहला एक्सपीरियंस. जी जी बिल्कुल, मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने जो है नौजवान लड़की यहाँ पे खड़ी है, कराची की रहायशी हैं, बेशक ये आईटी के शोबे में यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए आए हैं. तो आप नईम रहमान के इस प्रोग्राम के मुतालिक ये इनसे मालूमात लेंगे और इनकी जो है क्वालिफिकेशन भी मालूम करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुबुहा एजाज और मेरी क्वालिफिकेशन अभी मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं, नाउ आई एम सेकंड ईयर, ICS कर रही हूँ. और उसके अलावा जैसे कि आप सबको मालूम है अब से 6 माह पहले ये बहुत ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया था और यहाँ पर IDA कोर्सेज करवाए गए थे. तो पर्सनली मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था यहाँ से और अब नाउ आई एम दैट एलिजिबल कि मैं अर्न कर रही हूँ लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर एज अ फ्रीलांसर मैं यहाँ काम कर रही हूँ. और आज हमारी कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी है, रिजल्ट है और आई एम रियली एक्साइटेड. क्या बेस्ट इनिशिएटिव है जैसे कि अभी तक किसी ने नहीं लिया है और ये दोबारा से हो रहा है ताकि बाकी जो हमारी नौजवान नस्लें हैं, हमारी जो यूथ है ना, उसको ज़रूर करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने आप को IT के फील्ड में टॉप पर लेकर जाना चाहिए. एग्जैक्टली, और हम गंदे नालों और गटरों में गिर रहे हैं, दुनिया चांद पे हम नालों गटरों में गिर रहे हैं. एग्जैक्टली. जी 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 आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पर जितनी भी, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि जो यूथ है लाइक जो हाउस वाइफ भी हैं उनको भी निकल कर ये कोशिश करने चाहिए और अपने लिए लाइक सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, अपने लिए खुद अर्न करना चाहिए और आगे बढ़कर करना चाहिए. लाइक औरतें कम नहीं होती, आप भी कर सकती हैं, जब मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकती हैं. तो आप प्लीज़ आइए और बी अ पार्ट ऑफ दिस, बनो काबिल एंड बी स्ट्रॉन्ग, बी सेल्फ रिलायंट. जैसा जी इस प्रोग्राम के बारे में मेरी ये राय है कि ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा, डिसिप्लिन बेस्ट है और इतने बड़े मजमे को लैक प्लस के लोगों को मैनेज करना, उनके डिसिप्लिन का ख्याल रखना, जैसा कि लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो गया था और इस टाइम भी, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह सब कुछ बेटर होगा. और या दैट्स ग्रेट, हाफिज़ नईमुर रहमान का शुक्रिया. मैं तमाम, मैं बनो काबिल का ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यूथ के लिए जो है बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम ये स्टार्ट किया है और इस्पेशली
उन हाउस होल्ड लेडीज़ के लिए जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हाउस वाइफ बन के रह जाती हैं, तो उनके लिए एक ये गुड अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें बनो काबिल के इस प्लेटफॉर्म से जो है अपनी सलाहियतों को, अपनी स्किल्स को इंक्रीज करें और घर बैठ के अपने जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें और उससे अपनी फैमिली के लिए भी सपोर्टेबल बने और अपना भी जो है एक इंडिपेंडेंट मुस्तकबिल जो है अपना बनाएं। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई रिफर टू ऑल टू अवेल दिस। थैंक्स फॉर बनो काबिल। आईटी फील्ड के हिसाब से ये वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह के जो कोर्सेज वगैरह निकाले हैं, माशाल्लाह से बहुत तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे 20,000 से ऊपर की आवाम के लिए यहाँ पे सेटअप लगाया गया है और तकरीबन यहाँ पे सबने अनाउंसमेंट भी किया और कुछ मेरे दोस्तों ने भी किया और मेरे को भी कुछ दोस्तों ने बताया, तो मैंने भी इसमें एनरोलमेंट किया। मैंने भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इसमें लिया है कोर्स में, और ये कोर्स आम ये बड़ी बड़ी जगह पर जाएँ तो वहाँ पे 50,000-60,000 में हो रहा है और यहाँ पे हाफिज़ नईम रहमान ने फ्री ऑफ कोर्स हमारे लिए कोर्सेज रखे हैं आईटी फील्ड के लिए। बस एक टेस्ट रखा है, टेस्ट भी छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है कोई, वो करके आप इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 सितंबर आज बनो काबिल के तहत यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सेशन 2 शुरू हो रहा है हाफिज़ नईम रहमान की ज़ेर सदारा। तो यहाँ पे 2 नौजवान स्टूडेंट खड़े हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन भी मालूम करते हैं और ये आगे क्या करना चाहते हैं और आईटी में जो है ना, आईटी के शोबे में कौन सा जो है प्रोग्राम ये ज्वाइन करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं सर? जी मैं औरंगी टाउन से आया। औरंगी टाउन से आया। क्वालिफ़िकेशन आप लोगों की क्या है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट तो आईटी के शोबे में आप क्या ज्वाइन करना चाहते हो? डिजिटल मार्केटिंग। ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है और ये स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आईटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है और इसको हमें चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, दुनिया जो है ना आई टी के शोबे बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमारा जो है पाकिस्तान बदकिस्मत से इस पर हमारे हुक्मरानों ने तवज्जो नहीं दी। जी बिल्कुल। तो ये हमारे जो है ना कराची के इससे पहले गवर्नर साहब ने भी ये प्रोग्राम किए, अब हाफिज़ नईम रहमान साहब की तरफ से ये मुनक़द किया गया, तो खुशहाल बात है जी स्टूडेंट के लिए, ताकि जो है ना हमारे स्टूडेंट जो पढ़ लिख के बेरोज़गार बैठे हैं आई टी के शोबे में, कोई शायद चाहे उसमें फोटोग्राफी हो, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ वीडियो एडिटिंग हो जाए, इसके अलावा जो वेब डिज़ाइनिंग हो इसमें महारत हासिल करें, ताकि जो है ना जॉब वगैरह में आसानी हो जाए। जी बिल्कुल। आपके अकेले आए हो या आपके साथ? नहीं, मेरे साथ मेरे भाई है। भाई जी क्या क्वालिफिकेशन है? मैट्रिकुलेशन। काफ़ी तादाद में यहाँ पर ख्वातीन तशरीफ़ ला रही हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो जेंट्स के पर्शन में जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या पोजीशन है। बहुत